वारिस पंजाब दे संस्था का प्रमुख और खालिस्तान की मांग करने वाले भगौड़े अमृतपाल सिंह के उत्तराखंड में होने की सूचना पर बॉर्डर पर जबरदस्त चेकिंग की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस अमृतपाल को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सर्चिंग कर रही है। खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया अमृतपाल सिंह के उत्तराखंड आने की सूचना है। पंजाब से फरार होकर अमृतपाल सिंह शाहबाबाद में जिस महिला के घर पर रुका हुआ था, पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उस महिला ने बताया कि अमृतपाल सिंह उत्तराखंड निकल चुका है, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के यमुनानगर होते हुए उत्तराखंड में आने की आशंका जताई। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस सक्रिय हो गई और सभी जगह अलर्ट जारी कर दिया। विकास नगर क्षेत्र में हिमाचल यूपी से लगने वाली कुलहाल और दर्रा रीट बॉर्डर पर चेकिंग शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड पुलिस बाहर से आने वाले सभी वाहनों को रोककर उनकी सघन तलाशी ले रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बी मुरुगेशन ने बताया कि अमृतपाल उत्तराखंड की तरफ आया है। ऐसी कोई अधिकृत जानकारी पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस को साझा नहीं की है। हालांकि एहतियात के तौर पर सभी एंट्री पॉइंट पर सेकेंड चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं और इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।